नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, और सबसे बड़ी खबर यह कि छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार में लगे हैं। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर दो अलग अलग समय पर मतदान होगा, तो प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं फाइनल स्टेज वाली। 7 नवंबर को वोटिंग होगी पहले चरण की। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 198 पुरुष उम्मीदवार, 25 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 20,84,675 महिला मतदाता हैं, तो 69 थर्ड जेंडर मतदाता भी यहां हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि ये जो 7 तारीख का मतदान है, यानी कल होने वाली वोटिंग जो है वो 20 सीटों के लिए होगी, और 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, और डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है इन उम्मीदवारों का, और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल करेगी जनता अपने जनादेश से अपना वोट देकर। और ऐसे में जो प्रचार था, जिसमें रैलियां, बैनर, झंडे, बड़े बड़े भाषण, वो फिलहाल बंद है बीते करीब कुछ घंटों से। और अभी की जो स्थिति है वो ये कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं उनके घर जा जाकर। ये राजनीतिक दलों की तैयारी की बात थी, अब प्रशासनिक तैयारी की बात कर लें। चुनाव आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसी के जवान मोर्चाबंदी करेंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडोज संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जाएगी। बम डिस्पोजल टीम भी वहां मौजूद रहेगी। डॉग स्क्वाड की टीम अलर्ट मोड पर रहेगी। देखिए, ड्रोन प्रैक्टिस भी चल रही है और कमांडोज गश्त भी कर रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, जो कि इंटीरियर एरियाज में या जंगलों में, गांवों में, जहां भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्यवाही को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए DRG, STF, कोबरा, बस्तर फाइटर, CRPF, BSF, ITP, BSSB एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा CAPF तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबके संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 7 नवंबर को मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इंदौर और धार जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका दोपहर 1 बजे धार जिले के डही में जनसभा को संबोधित करेंगी, और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक की ये पहली चुनावी सभा होगी। वहीं CM शिवराज भी आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुटी है, BJP चुनाव प्रचार में जुटी है, इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंगरौली के देवसर, रीवा के त्योंथर और गुढ़ सतना के अमरपाटन, भोपाल में सभाएं होनी हैं, तो राजनाथ सिंह ग्वालियर और रायसेन में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड के लहार और मेहगांव में रैली करेंगे। BJP के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा झाबुआ में प्रचार करेंगे, और शाम को इंदौर 3 विधानसभा में जनसंपर्क के लिए जाएंगे। तो
ये जो चुनावी प्रचार है अभी जारी रहेगा और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप लगभग सभी बड़े और केंद्र के नेता भी प्रदेश के नेताओं के साथ साथ मैदान में प्रचार कर रहे हैं। के अब चुनाव प्रचार जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि चुनाव प्रचार पूरी तरह से अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेता पूरा दमखम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मध्यप्रदेश में कई राष्ट्रीय राजनीति के जो दिग्गज हैं वो अपने अपने दलों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के लिए महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्यप्रदेश का दौरा कर रही है, उनकी पहले भी सभाएं हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जो स्टार कैंपेनर्स में नाम आए थे उनमें से सबसे ज्यादा डिमांड जो निकल कर सामने आई थी वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए थी, और प्रियंका गांधी की पहले भी मध्यप्रदेश में कई रैलियां हो चुकी हैं। आज वो मध्यप्रदेश का निमाड़ मालवा अंचल है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी, और खासतौर पर महिला जो कि आधी आबादी है उनको साधने की कांग्रेस की कोशिश होगी। नारी सम्मान योजना को लेकर कुछ दिन पहले कमलनाथ ने महिलाओं के नाम, बहनों के नाम एक खत लिखा था, और आज प्रियंका गांधी उसी बात को फिर से रखने वाली हैं। तो वहीं अगर बीजेपी की आप बात करें तो राजनाथ सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर प्रचार प्रसार की गति को तेजी देने का काम करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चुनाव साख का चुनाव बना हुआ है। कांग्रेस मध्यप्रदेश में लंबे समय से सत्ता से बाहर है, अगर आप 2018 में जो वापसी हुई थी और 15 महीने का वो पीरियड छोड़ दें तो लगभग मध्यप्रदेश में 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, जनता सरकार से नाखुश है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने लगातार जनता के काम किए हैं, जनता के बीच में गए हैं और जनता का भरोसा जिस तरह से बीते चुनावों में हम पर बना रहा है, हमें मिलता रहा है, वो एक बार फिर से इन चुनावों में मिलेगा। और इन तमाम बातों को लेकर ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, जनता अपना भरोसा किस पर जताती है। स्वाभाविक है और इस चुनाव में काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ता और पड़ोसी के बीच मारपीट हो गई। दरअसल बीजेपी की सभा में प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचने के पहले जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां चलाकर हमला किया और इस पूरे मामले में पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ता ही गया। काफी मशक्कत के बाद सभी को किसी तरह से शांत कराया गया। ये वो वीडियो उस दौरान का बताया जा रहा है जब यहाँ बवाल हुआ, काफी संख्या में वहां देखिए ये कुर्सियां चली, यहां पर कुर्सी फेंक कर मारने की कोशिश की गई, हालांकि उसे पकड़ लिया गया। विधानसभा एक जहां पर ये सब कुछ देखने को मिला, कैलाश विजयवर्गीय के आने से पहले ये सब कुछ यहां पर हुआ। बीजेपी की सभा में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद था, किसी तरह से इस मामले को कंट्रोल किया पुलिस ने। और इधर सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कैलाश विजयवर्गीय को ये सलाह दे रहे हैं कि कैलाश को निपटाने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया है। वो ये कह रहे हैं कि दोस्त को सलाह दे रहा हूं, बीजेपी निपटाना चाहती है। वो कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया गया। कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई, मैंने कहा तुझसे बदला लेने तुझे एक नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तू राज्यसभा मांग रहा था भाई, तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय की फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तू हार जाएगा, मैं दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। और खबर मुरैना से जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा की मुश्किलें गजब तरीके से बढ़ रही हैं। चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अजब सिंह सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ऐसे में अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। क्या इससे पार्टी के लिए भी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होना चेक बाउंस मामले में उन्हें, और ऐसे में देखना यह होगा कि जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है पेशी के बाद क्या इसमें कोई राहत मिलती है या फिर समस्या बढ़ेगी, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है
अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ और 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश उन्हें दिए गए हैं। सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजब सिंह कुशवाहा, और इससे पहले जो एक मामला सामने आया था उसमें राहत मिलती उन्हें नजर आई, तो एक और मामला ये 8 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तो गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है उनके आगे, और देखना ये होगा कि ये तलवार चलती है या फिर वो बचाव का कोई रास्ता खोज पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में 8 तारीख को पेश होना है, और अगर रास्ता मिलेगा तो कोर्ट में 8 तारीख को पेश होने के बाद ही मिल पाएगा, उससे पहले संभावनाएं कम है। चुनावी समर है तो ऐसे में नेताओं के बयानों का वार पलटवार लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कई सीटों पर बीजेपी की हार हो रही है, जिस सीट पर हार की संभावना है वहां बीजेपी बीएसपी सपा को वोट करने की अपील कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और सिंधिया ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस को छोड़ा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान अब तेज हो चला है, क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कई स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जमीन पर जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभियान, किस तरह की हवा आप देख पा रहे हैं? आम जनता में नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति हर बार परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाएं महंगाई और अत्याचार से पीड़ित हैं, छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी से परेशान होकर उनका व्यापार ठप्प हो गया है, चौतरफा किसान भी महंगा लागत बढ़ने से मूल्य कम मिलने से परेशान है, चौतरफा आदमी नाराज है। और इस बार आक्रोश 8 करोड़ जनता आक्रोशित है, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तमाम जो दिग्गज उतार दिए मैदान में, तो क्या लगता है कि मुकाबला बहुत टाइट हो गया? सवाल है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है, मध्य प्रदेश में खुलने वाली नहीं है, इसलिए परेशान है, बेचैन है। और यहाँ तक कहते हैं अमित शाह जी आए ग्वालियर में, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, नेताओं की, और कहा कि साहब आप बहुजन पार्टी को वोट दिलवाओ, समाजवादी को दिलवाओ, तब कांग्रेस के वोट कटेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। जब उन्होंने खुद मान लिया कि हम जीत नहीं जाए इसलिए उधर वोट दिलवा दो जो कांग्रेस को दे रहे हैं उनकी, तब हम जीत पाएंगे। ये स्थिति जब यहाँ तक आ गई हो तो सिद्ध हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर में थे, वो ये कह रहे थे कि हम विकास के लिए कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब देखा 15 महीने की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी हो गई और ट्रांसफर उद्योग चलाने लगे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। 35-35 करोड़ रुपए में विधायक बिकवाए, इस तरह की कौन सी नैतिकता की बात करते हैं ज्योतिरादित्य? अपना पहले गले बांध तो देखें, भ्रष्टाचार में आपके साथ जो गए विधायक भ्रष्टाचार में संलग्न थी, अगर लूटा है तो उन्हें लूटा है। आप तो कहते थे शिवराज सिंह के हाथ किसानों खून सेंगे, कर्जा माफ नहीं कर पाए पूरा, इसलिए हम जा रहे हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं सिंधिया जी, कर्जा माफ करा पाए आप? केवल स्वार्थ के लिए, पद के लिए और भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने के लिए, और अपनी संपत्ति जो करोड़ों रुपए की उन्होंने सरकारी संपत्ति हड़प ली है जो एग्रीमेंट मर्जर एग्रीमेंट के बाद, उसको बचाने के लिए सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी हताश और निराश हो, यही कारण है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की इस बार हवा है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मनीष सेगर के साथ एलएनसी न्यूज टीम लाहौर। टीकमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया, और इंडी गठबंधन का सहयोगी होने के बावजूद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। कमलनाथ के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी है वो कहते हैं कि पहचानते नहीं। दरअसल कमलनाथ पर अखिलेश यादव ने मंच से प्रहार किया और उम्र को लेकर उन पर निशाना साधा और उन पर तंज कसा, और कांग्रेस पार्टी पर धोखा देने का उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने धोखा दे दिया,
अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बन सको? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। और कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कई सालों से जनता की सेवा कर रही है और कांग्रेस प्यार मोहब्बत की राजनीति करती है। जिसको हमारी विचारधारा पसंद है वो हमारे साथ है और कांग्रेस पार्टी ने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं सीखा और ना ही कांग्रेस पार्टी धोखा देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी 138 साल से जो है जनता की सेवा कर रही है, ये आरोप जो है उन वो लोग लगाते हैं जिन लोगों को जो है अपने आसपास के परिवेश का एहसास नहीं। कांग्रेस पार्टी ना किसी के सामने गिड़गिड़ाती है और ना किसी के साथ धोखा करती है। उसका सौदा प्यार का सौदा है, जिन्हें उसकी राह अच्छी लगती है, विचारधारा अच्छी लगती है, वो विचारधारा के साथ आए और आगे बढ़े। चुनाव केवल चुनाव नहीं होता बल्कि लोकतंत्र का त्योहार भी कहलाता है और अब त्योहार हो तो उसमें रंग भी कई तरह के नजर आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही कुछ नजर आए रंग, जिसमें प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आए। चुनाव एक लेकिन रंग अनेक। लोकतंत्र के महापर्व में उम्मीदवार भी अनेक रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की। विधानसभा चुनाव में वोट की खातिर कुछ भी करेगा वाले स्टाइल में नेताजी रमे हुए नजर आते हैं। पहले तस्वीरें इंदौर की देखिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेताओं में शुमार जीतू पटवारी, जो कि राऊ विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए वे घोड़े पर सवार हो गए। एक तरफ थे घोड़े पर सवार जीतू पटवारी तो दूसरी तरफ उनके ही संग सड़क पर पैदल पैदल चलकर पार्टी के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता। कुल मिलाकर वोटर्स को लुभाने के लिए पटवारी का यह अंदाज चुनावी सीजन में सुर्खियों में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जीतू पटवारी के साथ ही उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार संजय शुक्ला का चुनाव प्रचार भी खूब अनोखा नजर आया। संजय शुक्ला इंदौर की एक नंबर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये वही विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी ने अपने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मुकाबले के लिए उतारा है। लेकिन कोरोना काल में अपने किए कामों को जनता को याद दिला सके, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला अपने साथ चार लोगों को पीपीई किट पहनाकर घुमा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। वैसे संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय वाला मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है और हर कोई अपने अपने अंदाज इन नतीजों को लेकर अभी से लगा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में भी नेताओं के कई रंग दिखे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अनोखे रंग में नजर आईं। कोंडागांव में पहुंचकर ईरानी ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के घर में सीधे किचन का रुख किया। ईरानी ने यहां चाय बनाई और सास बहू को लेकर हंसी मजाक भी किया। वहीं इसके कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी टू व्हीलर पर सवार हो गईं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। स्मृति ईरानी का ये रंग अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले पायदान पर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने मां बम्लेश्वरी के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में भी जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पहुंचकर शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। कुल जमा बात ये कि बीजेपी और कांग्रेस प्रचार के रण में खूब रमे हुए हैं और हर एक की जुबां पर बस यही है,
वोटर भैया वोटर भैया, पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब वोटर भैया किसकी नैया पार लगाते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कुछ खबरों के लिए थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए। एनपी की